नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरबंशपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन, क्लासेस नर्सरी टू 9th and 11th। निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन, क्लासेस नर्सरी टू 11th। IIT और नीट की तैयारी पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरा पट्टी आजमगढ़। एडमिशन ओपन, प्ले ग्रुप 2 क्लास 9 और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलानाडी आजमगढ़। आजमगढ़ जिले में लक्ष्य के अनुरूप बड़ी संख्या में पौधरोपण कर धरती को हरा भरा व प्रकृति के संरक्षण का कार्य किया गया। प्रदेश सरकार के पौधारोपण अभियान के अंतर्गत 20 जुलाई को 36.5 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य था। इसी क्रम में जिले के तमोली में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां आयोजित हुए कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा और जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने पौधरोपण कर अभियान का श्री गणेश किया। इसके साथ ही बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और आला अधिकारियों द्वारा भी यहाँ पौधरोपण किया गया। पौधारोपण के बाद अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संदेश दिया है कि एक पेड़ माँ के नाम, इसका हम सभी को पालन करना चाहिए। इससे ज्यादा पौधारोपण होगा। इसके साथ ही जनता के बीच यह संदेश ले जाने का हम प्रयास कर रहे हैं कि वृक्ष हमारे लिए बहुत ही जरूरी और आवश्यक हैं। प्रकृति के संरक्षण और ग्लोबल वार्मिंग की चिंता को देखते हुए इस पर सभी को ध्यान देने की जरूरत है। इसके साथ ही आज ग्लेशियर पिघल रहे हैं। पेड़ लगाना खतरों से बचने के लिए आसान तरीका है। अधिक से अधिक औषधीय वन लगाए जाएं, नवग्रह से संबंधित पौधे लगाए जाएं, अमृत वन स्थापित हो। पुनीत अवसर पे, वन महोत्सव के अवसर पे वृक्षारोपण के कार्यक्रम में मेरा आना हुआ। मैं मऊ जिले में सुबह हमने वृक्षारोपण किया और अभी वर्तमान में आजमगढ़ जिले के तौली गांव में हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ भी वृक्षारोपण हुआ, मैंने भी किया और हमारे साथ सभी सरकारी और राजनीतिक महानुभावों ने भी वृक्षारोपण किया। इसके जरिए माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संदेश है एक पेड़ माँ के नाम लगाने का, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संदेश है ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण स्थानीय स्तर पर हो, उस सारी बातों को हम लोग आगे बढ़ाए हैं और जनता के बीच ये संदेश लेकर जाने का प्रयास कर रहे हैं कि वृक्ष हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी वो बहुत सहायक हो सकते हैं और साथ ही प्रकृति के संरक्षण के लिए वर्तमान में जो ग्लोबल वार्मिंग की चिंताएं एकदम से सामने दिख रही हैं, गर्मी बढ़ती जा रही है, ग्लेशियर गलने के, समुद्रों की ऊंचाई बढ़ने के तमाम जो खतरे मंडरा रहे हैं उनसे निजात पाने के लिए एक बहुत ही आसान सा तरीका है कि वृक्ष ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाएँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को ये भी आह्वान किया था कि जहाँ हो सके वहाँ औषधि वन लगाए जाए, ग्रह नक्षत्र से संबंधित वनीकरण हो, अमृत वन हो, तो ऐसे तमाम थीम के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी की मीटिंग में भी ये बात कही गई है कि रास्तों पे, पार्कों में एक निश्चित प्रकार का फूल देने वाले या एक निश्चित प्रकार के रंग के फूल देने वाले पौधे लगा के उनके उन जगहों की शोभा में भी वृद्धि की जाए, तो हर तरह से वृक्ष का रोपण बहुत ही हमारे आपके लिए अच्छा है। वही संदेश देने के लिए उन्होंने एक कार्यक्रम आयोजित किया था। संगठन विरोधी गतिविधियों के कारण विश्व हिंदू परिषद के उच्च पदाधिकारियों ने 6 माह पूर्व गोरक्षा की पुरानी समिति को भंग करके नई समिति का निर्माण किया है, जिसका एक ट्रस्ट भी रजिस्टर्ड है। इस बात की जानकारी नवनियुक्त प्रांत अध्यक्ष गोरक्षा विभाग गोरक्ष प्रांत मोहन उपाध्याय ने शनिवार के दिन नगर के मारवाड़ी धर्मशाला में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान दिया। उन्होंने बताया कि प्रांत प्रमुख के रूप में
तारकेश्वर जी, क्षेत्रीय मंत्री नागेंद्र सिंह जी तथा अन्य पदाधिकारी व सदस्य गण समिति में शामिल हैं। मोहन उपाध्याय ने बताया कि पुरानी समिति बार बार समाज व लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए विवाद करती है कि हम पहले से हैं। हमें राष्ट्रीय टीम ने घोषित किया है, जबकि सच्चाई यह है कि गोरक्षा विभाग में राष्ट्रीय अध्यक्ष को प्रांत पदाधिकारी घोषित करने का अधिकार ही नहीं है। गोरक्षा विभाग विश्व हिंदू परिषद का एक आयाम है, इसलिए न्यास का चयन और गौ रक्षा प्रमुख का चयन करने का अधिकार विश्व हिंदू परिषद को है। जो नई समिति बनी है उसका चयन विश्व हिंदू परिषद कार्यालय गोरखपुर में बैठक के दौरान विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री दिनेश उपाध्याय तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के संगठन मंत्री गजेंद्र जी ने घोषित किया है। इसलिए आज यह अवगत कराना है कि कोई भी प्रशासनिक सहयोग व गोवंश के रक्षण संवर्धन के लिए कोई नीति निर्धारण नई समिति ही करेगी। पुरानी समिति समाज को धोखा देकर कार्य कर रही है, तो विश्व हिंदू परिषद गोरक्ष प्रांत जिम्मेदार नहीं होगा। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आजमगढ़ जिले में बुलाई गई है, चूँकि हमारे संगठन की दृष्टि से विश्व हिंदू परिषद गोरखपुर क्षेत्र में 21 जिले आते हैं, जो है उसके अंतर्गत अपना इधर मऊ, आजमगढ़, लालगंज ये भी जिला आते हैं। चूँकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज आप लोगों के बीच में किया जा रहा है, विश्व हिंदू परिषद द्वारा संचालित गोरक्षा विभाग की एक समिति गोरखपुर प्रांत में कार्य कर रही थी। पूर्व में संगठन विरोधी गतिविधियों के कारण विश्व हिंदू परिषद के जो उच्च अनुभव के अधिकारी थे, उच्च स्तर जो अधिकारी थे, 6 महीने पहले उस गोरक्षा विभाग के समिति को भंग कर दिया गया करके एक नई समिति का निर्माण कराया, जिसका एक ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन जो है कराया गया है, जिस ट्रस्ट की कॉपी जो है ये यहाँ पर आप लोगों के सामने कॉपी है, और इस कॉपी में प्रांत के अध्यक्ष के रूप में मैं मोहन उपाध्याय हूँ, हमारे प्रांत प्रमुख के रूप में आदरणीय श्री तारकेश्वर जी भाई साहब हैं, गो विज्ञान परीक्षा जो कराया समिति द्वारा विश्व हिंदू परिषद द्वारा कराया जाता है गोरक्षा विभाग के द्वारा, उसके प्रांत के प्रमुख जो है आदरणीय श्री प्रभाकर मिश्रा जी हैं, हमारे सभी कार्यकर्ता बंधु हैं, और ये रजिस्टर जो है कि गोरखपुर कार्यालय के पते से जो कि कमिश्नरी के पास जो है रोडवेज के पास जो बना है कार्यालय, उस पते के हिसाब से इसका रजिस्ट्रेशन कराया गया है। परंतु इसकी पुरानी समिति जो 6 महीने पहले जो है भंग कर दी गई है, लोगों को दिग्भ्रमित करके, धोखा दे करके और समाज को धोखा दे करके बार बार जो है विवाद की स्थिति उत्पन्न की जा रही है। उसके पहले उन लोगों के द्वारा ये कहा जाता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गुरुप्रसाद जी भाई साहब जो हैं उनकी समिति को उन्होंने घोषित किया है, जबकि इस बाइलाज के तहत जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष को कोई अधिकार नहीं है कि वो प्रांत की समिति को जो है घोषित करें, जो है उनको उनके पास ये अधिकार नहीं है जो कि इस बाइलाज के तहत दिया हुआ है। गोरक्षा विभाग विश्व हिंदू परिषद एक आयाम है, इसलिए न्यास का चयन और गोरक्षा प्रमुख का चयन करने का अधिकार विश्व हिंदू परिषद को है। जो नई समिति बनी हुई है उसका चयन विश्व हिंदू परिषद कार्यालय गोरखपुर के बैठक के उपरांत विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री माननीय श्री दिनेश उपाध्याय जी, पूर्वी उत्तर प्रदेश के संगठन मंत्री, क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्री गजेंद्र जी भाई साहब ने घोषित किया है। इसलिए आज आप लोगों के माध्यम से मैं अवगत कराना चाहता हूं कि कोई भी प्रशासनिक सहयोग व गोवंश रक्षण संवर्धन के लिए कोई भी नीति निर्धारण करने का कार्य नई समिति के द्वारा ही किया जाएगा। जो पुरानी समिति समाज को धोखा दे करके कोई भी कार्य करती है तो विश्व हिंदू परिषद और रक्षा विभाग उसका जिम्मेवार नहीं होगा। सतीश राय जी थे जो भी सिंधु परिषद के पहले समिति बनाई गई थी उसमें थे वो, लेकिन पुरानी समिति में जो प्रांत के प्रमुख के रूप में
इसके पूर्व जो है आदरणीय श्री सतीश राज थे और उन्होंने जो है कि तमाम लोगों को जो है अपना संगठन में जो है जोड़े रखा था। उसमें एक भानु पांडे जी थे जो प्राय मऊ जनपद के हैं, उनको प्रांत का अध्यक्ष उन्होंने घोषित किया और उनके द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति करके ये बताया गया कि हमारा जो है चयन जो है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया है, तो जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष को इसका पावर नहीं है। अब अगर मैं उन लोगों को ये आग्रह करना चाहता हूँ माननीय सतीश जी से, माननीय भानु प्रताप पांडे जी से, कि अगर उनके पास कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का लिखित कोई पेपर हो, उनके पास कोई इस तरह का जो है अगर जो रजिस्टर्ड अगर जो कोई उनके पास समिति हो उसका पेपर हो, तो हमारे संगठन के मुखिया को दिखाने, हमारे संगठन के अधिकारियों को दिखाने का कार्य करें, ताकि इस तरह समाज में चूँकि एक दिग्भ्रमित न लोग हों, चूँकि हम लोग गौरक्षा के लिए हम लोग आगे आए हैं, समाज के लिए आगे आए हैं, जो कार्य विश्व हिंदू परिषद कर रहा है, तो वो आकर के उसको कहने का काम करें और लोगों के बीच में, समाज के बीच में विश्व हिंदू परिषद को बांटने का काम न करें। हाँ, जिले में इसी के लिए हम लोग आए, एक मिनट, इसी के लिए हम लोग जो है कि आप लोगों के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं उन लोगों को भी, क्योंकि लोग भी कार्यकर्ता रहे हैं, हमें उन लोगों का सम्मान है, हमारा कोई आपसी उनसे कोई अदावत नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन संगठन बड़ा होता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश की जनसंख्या के बराबर संख्या में पेड़ लगाए जाने हेतु 20 जुलाई से पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024 एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत शनिवार को पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़ वैभव कृष्ण व पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा पुलिस लाइन आजमगढ़ परिसर में वृक्षारोपण किया गया तथा अभियान के तहत पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को वृक्षारोपण करने हेतु प्रेरित किया गया। अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन, अपर पुलिस अधीक्षक यातायात विवेक त्रिपाठी, एएसपी शुभम अग्रवाल व अन्य अधिकारी कर्मचारी गण द्वारा भी पुलिस लाइंस परिसर में वृक्षारोपण किया गया। पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना ने बताया कि अभियान के तहत विभाग को 5600 पौधे लगाने का लक्ष्य मिला है। जनपद आजमगढ़ के समस्त थानों व चौकियों के परिसरों में पुलिस अधिकारी व कर्मचारी गण द्वारा वृक्षारोपण किया गया है। पूरे प्रदेश में 20 जुलाई को सब जगह वृक्षारोपण का कार्यक्रम शासन के निर्देश के क्रम में सभी जगह किया गया है और आजमगढ़ पुलिस को करीब 5600 पौधे लगाने का टारगेट इसमें मिला था हम लोगों को, तो उसी के क्रम में आज पुलिस लाइन में आदरणीय DIG महोदय के नेतृत्व में हम सब लोगों ने यहाँ पर वृक्षारोपण किया गया है और साथ ही साथ जो सभी थाने हैं वहाँ पर भी जो 5600 पौधे लगाने का जो टास्क था वो सभी को आज सभी जगह वृक्षारोपण का जो कार्यक्रम है वो किया गया है और ये सभी को बताया गया है कि जितने भी वृक्ष आज लगाए गए हैं उन सबको जो सिपाही हैं हमारे उनको ये भी दिया गया कि वो उनकी उसको जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता है तब तक उसमें पानी और उसकी जो रखरखाव है उसके लिए भी सबको बताया गया। सगड़ी के पूर्व बसपा विधायक सर्वेश सिंह सीपू की 11वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन उनके विधायक आवास जियनपुर में किया गया, जिसमें परिवार के लोगों ने उनके चित्र पर दीप प्रज्वलित एवं पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। भाई संतोष सिंह टीपू एवं पूर्व विधायक बंदना सिंह सहित तमाम लोग फफक कर रो पड़े। 19 जुलाई 2013 उस समय गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी जब वह अपने आवास पर ड्राइवर का इंतजार कर रहे थे। उस दौरान जियनपुर की जनता उग्र हो गई थी और कई गाड़ियों को आग लगा दिया गया था, जिसमें 4 अन्य लोग भरत राय, चंद्रभान चौबे, संजय विश्वकर्मा, जितेंद्र गुप्ता की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हो गए थे। सभा के दौरान उन्हें भी श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें भाजपा सहित अन्य दलों के लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। उनकी 11वीं पुण्यतिथि पर सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया, हवन पूजन व प्रसाद वितरण हुआ। इस दौरान पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ द्वारा उनके चित्र पर दीप प्रज्वलित एवं पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से पूर्व विधायक की हत्या की गई वह बहुत ही निंदनीय है।
घर के मुखिया के जाने के बाद परिवार को संभालना और उसकी जिम्मेदारियों को निभाना बड़ा कठिन हो जाता है। हम और पार्टी उस परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और रहेंगे। हम सब मिलकर उनकी कमी को पूरा तो नहीं कर सकते, पर सुख दुख में शामिल होकर दर्द जरूर बांट सकते हैं। उनके द्वारा अधूरे कार्यों को हम सबको मिलकर पूरा करने की जिम्मेदारी है। यह घटना मेरे लिए बहुत दुखद है। इस दौरान जिला अध्यक्ष कृष्णपाल सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह, सूरज श्रीवास्तव, जिला अध्यक्ष लालगंज, क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय, प्रवीण सिंह, सरोज राय, एमएलसी विक्रांत सिंह, ऋषु संतोष सिंह, टीपू, मनीष कुमार मिश्रा, हरिया प्रमुख संतोष सिंह, सुब्बान खान, हाशिम प्रधान, शाहिदीन मास्टर, वसीम खान, पंकज दुबे, दुर्गेश मिश्रा, प्रदीप राय, चंद प्रकाश, चंद्रशेखर सिंह, नागेंद्र यादव मास्टर, अरुण सिंह वकील, जय प्रकाश सिंह, यशवंत सिंह सहित आदि तमाम लोग मौजूद रहे। आजमगढ़ के अजमतगढ़ ब्लॉक के डिगवनिया काजी दलपतपुर ग्राम सभा में बनी गौशाला की भूमि पर किए गए अतिक्रमण और कर्मचारियों को फर्जी तरीके से फंसाने की धमकी के विरोध में गांव के सैकड़ों लोगों ने शनिवार को तहसील मुख्यालय पर उपजिलाधिकारी सगड़ी नरेंद्र कुमार गंगवार को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की। उप जिलाधिकारी ने लेखपाल से रिपोर्ट तलब करते हुए ग्रामीणों को त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया। डिगवनिया काजी दलपतपुर के प्रधान इंद्रदेव यादव के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण शनिवार को तहसील मुख्यालय पहुंचे। ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और बताया कि गांव के ही कुछ काफी दबंग और जालसाज किस्म के लोग हैं, जिन्होंने गौशाला की लगभग 4 बिस्वा सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। खाली करने की बात कहने पर साजिश कर छेड़खानी एवं अन्य मामलों में फंसाने की धमकी देती है। आरोप है कि गौशाला के कर्मचारी इस धमकी से डरे समय है, जिससे गौशाला में रखे गए पशुओं की सेवा में बाधा उत्पन्न हो रही है। ग्रामीणों ने मांग किया है कि अतिक्रमण किए गए भूमि को खाली कराया जाए और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। इस संबंध में उपजिलाधिकारी सगड़ी नरेंद्र कुमार गंगवार ने बताया कि ग्रामीणों का ज्ञापन मिला है, लेखपाल से इस संबंध में तत्काल रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट मिलते ही अतिक्रमण की गई जमीन को खाली कराया जाएगा और अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ज्ञापन सौंपने के दौरान विंध्याचल, मिट्ठू, टहल, इंद्रावती, योगेंद्र, श्याम चरण, राम चरण, सीमा, अनीता, नैना देवी, श्रीमती चंपा, कौशल्या सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। सर की गौशाला हम चलाते हैं, हमारे पास 80 गाय हैं, 4 लेबर हैं। लेबरों को जाकर सुनिता चढ़ाती है, इसके बाद श्रीमती जो है अन्न ठंड गाली देती है, बजड़ा बोए हैं 5-7 बीघा, बजड़े में भैंस हाँक देती है, भैंस जाकर नुकसान करने बोलने भद्दी भद्दी गाली देती है और कहती है प्रधान घबराओ मत, तुम्हारे जान से तुमको मरवाएंगे, तो लड़के और तुम्हारे बेटे को रेत में लिखाएंगे, तमाम धमकियां देती है। 5 बजे लिखा भाई हमारे ऊपर, गौशाला के लेबर जो है सब भाग रहे हैं, श्रीमती भागा रही है, कह रहे कि अब तुम लोग को जान से ही मरवाएंगे, छड़खानी करेंगे, छड़खानी करवाएंगे, तो आराम के वो भी जान से मारने कहते हैं। यही परेशानी हमको, गौशाला वाले सब भाग रहे हैं, लेबर हमारे खड़े हैं सामने, गौशाला के 4 लेबर हैं, ये लोग कहते हैं प्रधान जी कोई लेबर खोल लिए हम लोग नहीं रहेंगे, तो बताइए 80 गाय हम प्रधान कहाँ चला पाएंगे। इसीलिए हम एडीएम साहब से गुहार कर लेंगे, सर किसी को दे दिया जाए तो चलवाना, हमको तो हमको चलाने दे कायदे से, यही बात हुई। और बाकी परेशानी क्या, हमको कुछ परेशानी नहीं है, परेशानी है गौशाला से हमको प्रताड़ित कर दिया सर, हम बीमारी उनकी भी ड्यूटी है। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, सीबीएसई बोर्ड कोएड इंग्लिश मीडियम स्कूल, अ प्लेस फॉर योर लवली किड्स इन योर नियर बाय विसिनिटी। Paradise International School focuses on the overall development of a child academically, psychologically, as well as physically. It focuses on sports activity to bring best out of every child.
by training their minds and body for competitive environment. Admission open for play group to class 9th, CBSE Board. Sarvodaya Public School near RTO office Harbanspur, Azamgarh. Affiliated to CBSE. Admissions open from classes nursery to 9 and 11. Jaha hai highly experienced faculty. Advanced labs. Magnificent library. Huge playground with lush green campus. Separate ground for pre-nursery. Separate classes available for girls and boys. We also organize sports, music, smart classes and many more facility available. Lifestyle Furniture Belnadir, Azamgarh. सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED TV, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलनाडी, आजमगढ़। निस्वा गर्ल्स कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, जो 1938 से विज्ञान, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT और NEET की तैयारी के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति, पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला, 24/7 CCTV निगरानी, पावर बैकअप। न्यू एडमिशन के लिए फॉर्म और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, तो जल्दी करें।